हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुर में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GMCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 11, जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। डेट है जिसकी 27 अगस्त 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर अंडरस्टैंडिंग मार्गलाइजेशन पढ़ेंगे। मार्गलाइजेशन मीन्स मेकिंग द पीपल ऑफ अ ग्रुप और कम्युनिटी टू फील एज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मार्गलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ऐसी ग्रुप बनाना है या ऐसी कम्युनिटी बनाना जो जिन्हें हम फील कराएं कि वो हमसे अलग हैं। एंड मेकिंग द पीपल ऑफ द कम्युनिटी और ग्रुप फील इज आइसोलेटेड, और उन्हें ऐसा फील कराएं कि वो आइसोलेटेड है, वो हमसे अलग हैं। सच ए पर्सन और ग्रुप डज नॉट रिमेन एट द सेंटर ऑफ सोशल थिंग्स एंड डज नॉट कंसाइडर देमसेल्फ फिट टू बी विद द सोसाइटी। और ऐसे लोगों का ग्रुप या ऐसे लोग को सोशल थिंग्स को छूने की या रखने की इजाज़त नहीं होती, और वो उन्हें ऐसा दिखाया जाता है कि वो सोसाइटी के साथ फिट नहीं है। दे फील दैट बिहेवियर ऑफ द मेजॉरिटी इज़ नॉट राइट विद दैम और द पीपल अराउंड दैम टू नॉट लाइक दैम। उन्हें ऐसा फील कराया जाता है कि उनकी जो सोसाइटी में इमेज है वो, और लोग वहाँ के उस सोसाइटी के उन्हें पसंद नहीं करते। दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी रिमेन्स अ क्लास डिप्राइड ऑफ अ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी। दिस कैन बी मैनी रीज़न फॉर द मार्गलाइजेशन इन सोसाइटी। सोसाइटी में मार्गलाइजेशन के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। रीज़न फॉर मार्गलाइजेशन, कस्टम्स अलग है, पावर्टी यानी निर्धनता है, डिफरेंट लैंग्वेज अलग है, लो सोशल स्टेटस और सोशल स्टेटस भी कम है। मैनी टाइम्स पीपल व्यू दिस ग्रुप विद अ सेंस ऑफ इमिटी एंड फेयर। बींग आइसोलेटेड द पीपल ऑफ दिस कम्युनिटी आर अनेबल टू टेक एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज। कुछ टाइम्स जो लोग हैं वो ऐसे देखते हैं कि वो उनसे डर रहे हैं, उनसे एनिमिटी यानी उनकी दुश्मनी है उनसे, और गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ भी उन्हें नहीं मिलती, कोई रिसोर्स नहीं मिलता। और मैनी गुड अपॉर्चुनिटी ऑल्सो फेयर टू रेज देयर वॉइस फॉर द राइट्स। पर उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी भी आती है पर वो अपनी वॉइस को रेज नहीं करती। दिस पीपल फील पावरलेसनेस, और ये पावरलेस समझते अपने आप को। देन दोज वो हैव लैंड एंड वेल्थ वो आर मोर एजुकेटेड, और जिनके पास लैंड है, वेल्थ है, वही ज़्यादा एजुकेटेड है। आदिवासी क्या होता है, हम आदिवासी के बारे में देख लेते हैं। द वर्ड आदिवासी मीन्स ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स। एग्जाम्पल, कम्युनिटी दैट हैव लिव्ड विद द फॉरेस्ट एंड आर स्टिल लिविंग विद द सेम वे इन मैनी प्लेसेस। इन मैनी स्टेट ऑफ इंडिया अबाउट 8% ऑफ द पॉपुलेशन इज आदिवासी। इंडिया के बहुत सारे स्टेट में जो 8% पॉपुलेशन है वो आदिवासी की ही है। आदिवासी प्रैक्टिस अ रेंज ऑफ ट्राइबल रीजन, तो आदिवासी वो ट्राइबल रीजन यानी पहले की तरह रहने की कोशिश करते हैं। दिस ऑफन इन्वॉल्व द वर्शिप ऑफ एंसेस्टर की वर्कशिप पे, विलेज एंड नेचर स्पिरिट्स द लास्ट एसोसिएटेड विद द रेजिंग इन वेरियस साइट्स इन लैंडस्केप, माउंटेन स्प्राइट्स, रिवर स्प्राइट, एनिमल स्पिरिट्स एटसेट्रा। आदिवासीज आर इन एवरियल पोर्ट्रेड इन वेरी स्पेशल वेज इन कलरफुल कॉस्ट्यूम्स एंड गेयर एंड थ्रू देयर डांसिंग। जो आदिवासी हैं उन्हें हम कैसे पहचानते हैं, जैसे वो एक कलरफुल कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं और एक हेड गियर पहनते हैं, आप देख सकते हैं, और डांस करते हैं। बिसाइड दिस वी सीम टू नो वेरी लिटिल अबाउट द रियलिटीज ऑफ देयर लाइफ्स। हमने रियल में बहुत कमी देखे हैं। दे ऑफन रॉन्गली लीड्स टू पीपल बिहेविंग देयर एक्सोटिक, प्राइमेटिव एंड बैकवर्ड। ऑफन आदिवासी आर ब्लेम टू देयर लैक ऑफ एडवांसमेंट एज दे आर बिलीव टू रिस्टेंस टू चेंज और न्यू आइडियाज। ट्राइबल्स आर टूडेज सच एज मार्गलाइजेशन एंड पावरलेसनेस कम्युनिटीज। बींग अवे फ्रॉम देयर लैंड in cities and towns they work in low caste in construction work and thus they caught in trap of poverty and helplessness। तो ये बता रखे कि जो ट्राइबल्स हैं वो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, मार्गलाइज समझते हैं और अपनी सोसाइटी से कम ही समझते हैं। तो हमने मार्गलाइजेशन को समझा। अब मार्गलाइजेशन क्या है, जिसे हिंदी में हाशियाईकरण कहते हैं। मार्गलाइजेशन मीन्स मेकिंग द पीपल ऑफ अ ग्रुप और कम्युनिटी टू फील एज डिफरेंट फ्रॉम अदर एंड मेकिंग द पीपल ऑफ द कम्युनिटी और फील ग्रुप फील आइसोलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डू मार्गलाइजेशन लीव अलूफ फ्रॉम सोसाइटी। जो मार्गलाइजेशन है वो अलूफ कैसे है सोसाइटी से, तो आप इसका आंसर करेंगे ड्यू टू पॉवर्टी, ड्यू टू लैंग्वेज, ड्यू टू डिफरेंट कस्टम, ड्यू टू लो सोसाइटी या सोशल स्टेटस। क्वेश्चन नंबर 3rd है आपका, सॉरी, वो आर आदिवासीज। आदिवासी कौन है, तो आप इसका आंसर करेंगे आदिवासी जो वर्ड का मतलब है ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स कम्युनिटीज दैट हैव लिव विद द फॉरेस्ट। ऐसी कम्युनिटी जो फॉरेस्ट में रहती हो, जंगलों में रहती हो और ऐसी किसी जगहों पर रहती हो। इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर अभी भी आदिवासी हैं
और आदिवासी की पॉपुलेशन 8% है पूरी इंडिया में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, वाई डिड ट्राइबल स्टार्ट लिविंग इन सिटीज़। जो ट्राइबल्स हैं वो सिटीज़ में रहना क्यों स्टार्ट करते हैं? द पीपल ऑफ दिस कम्युनिटी स्टार्ट लिविंग इन सिटीज़। कम्युनिटी के सिटीज़ में इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ के एडवांटेज लें, रिसोर्सेज का, और अपनी गुड अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना कर सकें। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, इन योर ओपिनियन हाउ कैन मार्जिनलाइज पीपल बी असिमिलेटेड इन सोसाइटी। अपने ओपिनियन से बताइए कि मार्जिनलाइज पीपल जो हैं वो असिमिलेट कैसे करें सोसाइटी में। तो यस, मार्जिनलाइज पीपल कैन बी असिमिलेटेड इन सोसाइटी। हाँ, जो मार्जिनलाइज पीपल हैं वो असिमिलेट कर सकते हैं सोसाइटी में, इफ़ वी गिव दैम इक्वल सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी। यानी अगर हम उन्हें सोसाइटी में अगर बराबर सोशल इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन दें तो वो भी मार्जिनलाइज पीपल भी असिमिलेट कर सकते हैं हमारी सोसाइटी में। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई हो। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइज़।